Assalamualaikum, my dear children. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 4. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. Well, students, today we will study unit number 1, and the name of this chapter is Citizenship. In this video, we will talk about etiquettes, manners. तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को दो मुख्तलिफ बच्चों के बारे में बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये अहमद है। अहमद हमेशा किसी के घर जाने से पहले उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाता। जब भी खाना खाता है अपने हाथ नहीं धोता। जब भी बाहर से आता है अपने हाथ और अपना मुंह साबुन से नहीं धोता। अपने बड़े बहन भाइयों से बदतमीजी करता है और उन्हें उनके नामों से पुकारता है, और जहां पर भी कोई चीज खाता है वहीं पर ही रख देता है, और अपने रैपर्स, यूज्ड टिश्यू पेपर को भी वहीं पर फेंक देता है। और ये है असद, जो कि किसी के घर जाने से पहले इजाजत लेता है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोता है, बड़ों का कहना मानता है और छोटों से प्यार से बात करता है, और अपने इर्द गिर्द गंदगी नहीं फैलाता। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप इन दोनों में से अपना दोस्त किसे बनाना चाहेंगे? क्या आप ऐसे बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे जो कि सारे बुरे काम करता है, या ऐसे बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे जिसको तमाम लोग पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चों, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बीइंग अ गुड सिटीजन, वी शुड फॉलो द एटिकेट्स। नंबर 1, ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई नाराज है तो उसे सॉरी कह दें, या अगर किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तो उसे थैंक यू कहें। प्यारे बच्चों, अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है या हमें कोई चीज देता है तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। नंबर 2, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। प्यारे बच्चों, बड़ों की इज्जत जबकि छोटों से प्यार करना चाहिए। अगर हम बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? अगर हम आज बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो कल को बच्चे हमारी भी इज्जत नहीं करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत ना करे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि जब आप बड़े हो जाएं तो लोग आपकी इज्जत ना करें? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहेंगे कि सब लोग आपकी इज्जत करें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबकी इज्जत करनी है। नेवर कॉल एन एल्डर बाय हिज नेम, एड्रेस एज अंकल, सर, आंट, एटसेट्रा। टेक स्मॉल बाइट्स वाइल ईटिंग। प्यारे बच्चों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब खाना खाते हैं तो उनके मुंह से आवाज आती है। क्या ये आपको पसंद है या इससे आपको इरिटेशन होती है? तो प्यारे बच्चों, हमेशा मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए और खाने को चबा कर खाना चाहिए। कुछ लोग खाने को चबाते नहीं बल्कि फौरन निगल जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमें खाने को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, लेकिन चबाते वक्त कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए ताकि कोई आवाज ना आए और पास बैठा इंसान भी परेशान ना हो। गिव सीट टू द एजड पीपल। प्यारे बच्चों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी ट्रेन, किसी गाड़ी या किसी बस में सफर करते हैं तो अक्सर बुजुर्ग लोग खड़े होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हमें उन्हें अपनी जगह नहीं देनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी को देखें कि कोई बुजुर्ग खड़ा है तो आप उसको जगा दें और खुद आप खड़े हो जाएं। ऑलवेज नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग समवन्स रूम और हाउस। तो प्यारे बच्चों, आप किसी के घर या किसी के कमरे में जाएं तो आपको चाहिए कि पहले दरवाजे पर दस्तक दें। ऐसे ही किसी के घर दाखिल नहीं हो जाना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी दोस्त, किसी हमसाए या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो दरवाजे पर पहले दस्तक दें। शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सिबलिंग्स। प्यारे बच्चों, आप में से अक्सर बच्चे ऐसे होंगे जिनको पसंद नहीं है कि वो अपनी चीजें अपने दोस्तों या अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को उनके साथ अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। इंसान खताओं का पुतला है और उसे गलती हो जाती है, और अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? इसीलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर कोई वो गलती करता है, बल्कि उसको समझाना चाहिए कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे। वेल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।